हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर रामशंकर सर का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। तालियां तो जोरदार होनी चाहिए। इस पुस्तक के रचयिता श्री वेद माथुर जी का मैं स्वागत करती हूँ मंच पे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वेद माथुर जी का। मैं स्वागत करती हूँ हरीश मेहता जी का। नहीं तो मैं बुलाती हूँ मीनू माथुर जी का। मीनू माथुर जी प्लीज वेलकम, स्वागत कीजिए मीनू माथुर जी का जोरदार तालियों के साथ। हेलो, मैं डॉक्टर मीनू माथुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजू जी का सम्मान करें। क्या हो जाए श्री वेद माथुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महान आइए सर आप जाइए। राजेश श्रीवास्तव जी का बधाई हो। क्या बात। मैं राजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, रामशंकर जी और सभी अतिथिगण, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी अभी ये कहा गया कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के बादशाह हैं, तो मैं अपनी व्याख्या से बात शुरू करूंगा कि वो क्यों बादशाह हैं कॉमेडी के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर राजू श्रीवास्तव जी का जो एक मौलिक खोज रही है वो ये रही है कि इन्होंने निर्जीव वस्तुओं की भी एक्टिंग की। जैसे बम्बई की लोकल ट्रेन्स के अंदर हैंडल कैसे एक्सप्रेशन देता है या पंखा कैसे चलता है या बल्ब कैसे जलता है, इसकी ये बड़ी मौलिक खोज है। आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह निर्जीव वस्तुओं की एक्टिंग करते हुए कोई भी एक्टर नहीं मिलेगा। कोई प्रयास करेगा शायद वो सफल नहीं होगा, पहली बड़ी बात। दूसरी बात, क्यों वो मिमिक्री के नंबर वन थे, नंबर वन हैं और रहेंगे क्यों? मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि राजू भाई की एक बात से शायद कुछ लोग वाकिफ हों कि जब वो गंभीरता पूर्वक कोई किस्सा सुनाते हैं, जैसे मेरे बारे में वो कोई बात बता रहे हैं, सीरियस बात मजाक की नहीं, तो भी वो मेरी आवाज़ में बताएंगे कि यार वो अजमेर में वेद माथुर मिले तो ऐसे बोल रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, राजू भाई ने अपने किसी रिलेटिव के बारे में वो बात बताई, नॉर्मल सी बात थी लेकिन वो उन्हीं की आवाज़ में बताई। तो बाद में वो रिलेटिव किसी गैदरिंग में मिले तो मैं पहचान गया उनको, तो उन्होंने कहा जी मैं कैसे पहचानूं, मैंने कहा आपकी आवाज़ से, क्योंकि राजू भाई ने किस्सा बताया था तो आपकी आवाज़ उस समय बिल्कुल ऐसी थी। तो वो मिमिक्री के मास्टर हैं और मास्टर रहेंगे। तीसरी चीज जो पहली और दूसरी चीज़ों से भी ज़्यादा गंभीर है कि उनकी जो जो भी कुछ वो अपने आइटम देते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, उसमें मुझे बहुत सी बार प्रेमचंद की झलक मिलती है। प्रेमचंद जो कहानीकार था, व्यंगकार थे, और हमारे समाज के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको, जिस सूक्ष्म चीज़ों को प्रेमचंद नोट करते थे, उसी तरह राजू श्रीवास्तव हमारे सामाजिक ताने बाने के अंदर जो विसंगतियाँ हैं उन बारीकियों को पकड़ते हैं और उन विसंगतियों पर व्यंग करते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें थी और बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन राजू भाई की जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें अंतिम चीज़ फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि वे जितने अच्छे एक्टर और एंटरटेनर हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं।
और आज इसी का परिणाम है कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे ही चलते चलते जबलपुर में हो गई थी। और पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से हमारा स्नेह संबंध बना रहता है। तो राजू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं चाहूंगा कि श्री रामशंकर जी चंद शब्द हम सबके सामने कहें। रामशंकर जी, थैंक यू वेरी मच। वीर जी ने इतना कुछ बोल दिया है कि कुछ रहा ही नहीं, सारी चीजें तो आपने बता दी है। मैं तो अपने दो बोल अपने गीत के सुना के इनको शुभकामनाएं दूंगा। यारों सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, बैंक ऑफ पोलमपुर को मिलके कामयाब करो। यारों तुम इनका साथ दो जरा। तो इनकी बेटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे भाई राजू श्रीवास्तव जी की तरफ से, जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे स्टेज की दुनिया के बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं, किंग ऑफ कॉमेडियन हैं, बहुत सीरियस हैं। इनके हाथों इस किताब का विमोचन हुआ है तो ये ज़रूर कामयाब होगी। और मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है वेद जी, और इतना सुंदर आपने लिखा है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी पोल खोल होगी, इससे काफ़ी चीज़ें होगी। बहुत सुंदर आपने लिखा है और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरविंद जी दो शब्द बोलेंगे, फिर राजू श्रीवास्तव जी। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि किंग ऑफ कॉमेडियन, किंग ऑफ म्यूजिक राम जी, किंग ऑफ बैंक ऑफ पोलमपुर आप सब लोग यहाँ आए हैं। और जब मैं आया तो मैंने बस जो आखिर में जो कुछ चीज़ें सुनी तो मुझे अब पता चला कि जो मैं लोन में अपना इंटरेस्ट चुका रहा हूँ वो विजय मालिया और उनका भी अच्छा है, मुझे वो पता नहीं था। तो मैं अक्सर मेरी कल ही मेरे दोस्त हैं जो कनाडा से हैं तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका कनाडा बहुत कम है, तो यहाँ पर 10-12% तो डिफॉल्टर ज़्यादा। और हम सब मिल के, मतलब मैंने एक बात नोट की है राजू भाई कि इसको कहते हैं एकता, मतलब हम लोग एक हो के विजय मालिया का पैसा चुका रहे हैं हम लोग, मतलब नीरव चौकसी और इन सब का, मतलब इसको एकता कहते हैं। हम अपने भारतीय होने का एक सच्चा फर्ज जो हम लोग अदा कर रहे हैं कि एक दूसरे को साथ दे रहे हैं कि भाई तुम पैसे लो निकलो, हम लोग हैं, तुम मैं हूँ, तुम वापस आओ ना आओ पर हम आपका सारा पैसा चुकाएंगे। तो ये एक सच्चे देशवासी होने का सबूत है। बाहर ऐसी बातें भक्ति मिलती नहीं है, ये देशभक्ति है, इसको आप अलग तरीके से ना लें। और इस देशभक्ति को हमेशा जिंदा रखेंगे हम लोग, और मुझे लगता नहीं स्थिति सुधरने वाली है, 11-15% भी हो सकता है तो ये स्थिति नहीं सुधरेगी। और सबसे मुझे एक बात और खास लगती है कि जब राजू भाई यहाँ आए हैं तो इस बुक से मुझे लगता है 15-20 आइटम बनने वाली हैं और बन चुकी भी होंगी अब तक। और आप बहुत जल्दी इस पोलम पट्टी का जो असली मजा राजू भाई देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। राम भाई हमारे बड़े भाई हैं, राजू भाई हम लोग मुझे लगता है कि बचपन से साथ में काम कर रहे हैं। चलो मैं दारू पे तो पूरा टैक्स लगता है, हम उसके तो पूरी तरह से खाना खा लो। जो विजय माल्या की ये जो भागे थे भाई साहब, विजय माल्या भाई साहब,
जब भागे थे तो मुझे वो बचपन का वो खेल याद आ गया था। हम लोग खेलते थे ना बचपन में, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, कौवा उड़, हाथी नहीं नहीं नहीं, अभी वो खेल कैसा हो गया, विजय माल्या उड़, नीरव मोदी उड़, मेहुल चौकसी उड़, अनिल अंबानी नहीं नहीं नहीं, अच्छा कई बार हालत ऐसी हो जाती जैसे हमारे बड़े भाई वेद माथुर जी, अब भावना में बह के भाई के हिसाब से इतनी तारीफ, कई बार इतनी तारीफ कर देते हैं कि मैं डरता रहता हूँ लास्ट में ये नहीं कहते हैं अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आई है। और वैसे मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब मेरे दोस्त भी हैं और सबका मैं फैन भी हूँ, अरविंदर हो, राम भाई हो, वेद जी हो, भाभी जी, तुम भी नहीं तो सब, पहले तो मैं सबको थैंक करूंगा, धन्यवाद करूंगा, अरविंदर भाई आप आए टाइम निकाल के, राम भाई आपने पूरा सहयोग किया और सब अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि वेद माथुर जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमारी दोस्ती ऐसे ही हो गई थी, कहीं हम चाय पे मिले फिर ये लंच पे ले गए अपने घर, तो हमने कहा बस एक आध रोटी खाएंगे निकल जाएंगे, लेकिन खाना खाते खाते जिस तरह से इनके मुंह से ह्यूमर झड़ रहा था, निकल रहा था, तो मैं समझ गया ये आदमी है तो कुछ विशेष अलग क्वालिटी है। फिर हम एक कार्यक्रम में गए, आपको बताऊं एक प्रोग्राम में बैठे थे, ये भी बैठे हुए थे, ये चीफ गेस्ट थे, बैंक के प्रोग्राम में तो हो ही सकते हैं ये बैंक के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट। अब जो एंकर थी उसने खूब तारीफ करना शुरू किया, अब आपके सामने आ रहे हैं ये, इन्होंने ये किया वो किया, पत्रकारिता से शुरू किया और फलाने निकाने और बैंकिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और नया नया जो है प्रैक्टिकल है ये है वो है, सच्चे इंसान फलाना को इतना लगभग, तो ये हमसे क्या कहते हैं यार, ऐसा लग रहा है मैं भी सामने बैठ के वेद माथुर को सुनो जिसके बारे में इतना कहा गया तो बात नहीं, उम्र खाना खा रहे थे हम लोग, सडनली बोले राजू तुमने चिकन और दाल मिला के खाया है, चिकन में दाल मिला के खाया, घबरा गए मैं, ये कौन सी डिश है, नहीं 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 बोले टेंशन मतलब हम लोगों ने भी नहीं खाया है तो छोटी छोटी बातों से मुझे पता चला कि आदमी दोस्ती करने के लायक है, ज्ञानी है और इनसे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो जैसा कि सबको पता है इन्होंने पत्रकारिता से शुरू किया, फिर लेखन करते रहे, कई मैगजीन में लिखा, उस जमाने में ह्यूमर भी लिखते रहे, सामायिक लिखते रहे, फिर बैंक में चले गए और जनरल मैनेजर होके रिटायर हुए। तो इतना सारा हम लोग भी कहते थे कि बैंक में भी आप चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ नोट की होंगी, तो आप अपने अनुभव वो लूप होल वो वीकनेस जो आपको पता है तो आप लाइए बाहर, तो बोले नहीं यार पंगा भी हो सकता है, तो हमने कहा नाम बदल तो सबके और देखते देखते ये इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी और इसका हिंदी वर्जन तो बहुत अच्छा बिका है और ये इंग्लिश हम लोग आज यहाँ पे आपके बीच ला रहे हैं और इन्होंने मुझे इस लायक समझा और कहा कि मुझे आना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रे करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये खूब अच्छी सेल हो और लोग एंजॉय भी करें, एंजॉय के साथ साथ इससे सबक भी लें और वो बैंक कर्मी भी पढ़ें जो बैंक के बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, CMD, ED और कौन होते हैं भाई साहब बड़े वाले, तो ये होते हैं GM ये लोग थोड़ा समझें कि सिर्फ ज़रूरतमंद को ही लोन दें, उनकी मदद करें, ना सिर्फ इसकी उन लोगों को जो बहुत हाई फाई हाई वे हाई एक इधर पकड़े इधर पकड़े सो सिर्फ उनको नहीं, एक ज़रूरतमंद को अपने बैंक में एंटरटेन करें, उनकी मदद करें और इस तरह से हमारे देश का पैसा विदेशों में ना जाए और उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है, पता नहीं कब ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। रही मेरी बात, मैं तो ये कहूँगा आपके घर में जन्मदिन हो
शादी की सालगिरह हो, किसी का जनेऊ हो, बर्थडे हो, मुझे बुला लीजिए, मैं अपना टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूँ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ मेरी पेमेंट अच्छी करवाना। इनको भी कोई ईगो नहीं, इनको तो बिल्कुल ही ईगो नहीं है। ये कहते मैं ऐसे ही तैयार, मुझे माला की तरह मतलब मोहब्बत से कहेंगे तो आ जाएंगे। दीपू कैसे भाईंदर तो वहाँ पे भाई अंदर ये सब पहने चिंची पोकली कांजी वाली पहले मिचूना भट्टी आ गए कुछ तो हैवी है मुंबई में अपने घाट कोपर थाना ये कौन है पीछे वो बहुत अजीब सा है भाई कलर का इसकी शक्ल भी भाई कलर जैसा लग रहा है अरे अरे हाथ में ना ये देखो फेस देखो भाई कलर अब तुमने कहा भाई कलर ब्रेन रुकने शुरू हो जाएगी तो बहुत बहुत मेहरबानी और आप लोग ने बहुत समय दिया, आप लोग बहुत टाइम से आ गए थे, हम थोड़ा लेट हुए क्योंकि वहाँ हम उधर से आ रहे हैं मीरा रोड की तरफ से, तो इधर चेक ना करें वहाँ लिखा है बृहन मुंबई तो पढ़ नहीं पता है बृहन मुंबई नगर पालिका तुम्हारा स्वागत करीत आहे तुमचा स्वागत करीत आहे। मैं 1.5 घंटे खड़ा रहा है, एक कमी ना स्वागत करते नहीं आया खाली लिख दिया एक जगह लिखा हुआ कृपया बाएं हाथ से चलें किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से, मैंने ट्राई किया मैंने घुटने छिल गए एक जगह बहुत ही खराब लिखा हुआ बोला सच्चे देशभक्त बनिए सच्चे देशभक्त सिर्फ बनी है सिख नहीं है सिंधी नहीं है मद्रासी नहीं है मुस्लिम नहीं है सच्चे देशभक्त सिर्फ बनी है लेकिन बनिए लोग बहुत प्यारे लगते हैं मुझे सताक्षी बनिए लोग बहुत प्यारे होते हैं दोस्ती निभाते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर मारपीट नहीं करते क्योंकि उनका पूरा ध्यान पैसा कमाने में लगा रहता है धंधे वाले लोग होते हैं फौज में नहीं जाते हाँ तभी आप देखिए जल्दी बनिया आपको फौज में नहीं मिलेगा जल्दी क्या देर से भी नहीं जाते देर से भी नहीं जाते बनिया फौज में नहीं मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा सिख रेजिमेंट मराठा रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट आज तक आपने सुना बनिया रेजिमेंट तो लेकिन बनिया रेजिमेंट अगर हो और मोदी जी वहां खड़े हों सलामी लेने के लिए 26 जनवरी अभी पूरी बढ़िया रेजिमेंट आ रही है आधे रास्ते में रुक जाए इस बार मोदी जी ने बहुत दूर खड़े कर दिए मोदी जी ने बोला रिक्शा मंगाते मोदी जी मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े बाद में रिक्शा कर लेंगे अगेन थैंक यू और वेद जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर थैंक्स और इसको हमारे भाई वेद माथुर जी ने लिखा है और इनके सारे एक्सपीरियंस हैं बैंकिंग की दुनिया के तो एक बहुत अच्छी पहल है और इसमें एक चेतावनी भी है जनता को और एक सबक भी है कि किस तरह से हमें बैंक के साथ डील करना चाहिए और बैंक वालों को भी इन्होंने एक शॉल में लपेट के तमाचा मारा है कि आप आम आदमी को तो दौड़ाते हो और एक साधारण आदमी लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर काटता रहता है और ये बहुत करोड़पति अरबपति लोग आते हैं विजय माल्या जैसे लोग नीरव मोदी जैसे लोग एक मिनट में आते हैं और अरबों रुपया लेके चले जाते हैं तो
कहाँ उसमें कमी है, क्या है, बहुत ह्यूमरस अंदाज में हंसा हंसा के लिखा है ताकि आपको पढ़ने में बोझ न लगे। तो मुझे ये लॉन्च करके बड़ी खुशी हो रही है। अरविंदर जी ने कहा था कि हम लोग एकत्र हो गए हैं, एकता की शक्ति बढ़ गई है जी, सब मिलके चुका रहे हैं। बिल्कुल अरविंदर, तुम ही कहोगे। मैं एक बात, राजू भाई ने कहा कि वो आते हैं और लेके जाते, मुझे लगता नहीं होगा कि वो आते होंगे। आते भी नहीं घर पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, ये जो हम लोग साधारण आदमी जो इंटरेस्ट भर भर के बर्बाद हो जाता है, ये सारा इंटरेस्ट हमें लगता है हम लोग विजय माल्या और नीरव मोदी मेहुल चौकसी उनके हिस्से का हम लोग भर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनको तो भरना है नहीं, और भरना है हम सबको, और हम सब मिलके बैंक को लौटा रहे हैं। यही हाल रह गया और यही सब इस किताब। तो राजू जी, माथुर जी जब आपके पास आए थे इनवाइट के लिए कि आपको बुक लॉन्च करना है, तो आपने बुक के बारे में कुछ जानना चाहा कि क्या है, फिर आप यहां पर जी नहीं, वेद माथुर जी को मैं बरसों से जानता हूँ, लगभग 15 साल से जानता हूँ, एंड ही इज़ वेरी ह्यूमरस। जब भी हमारी इनकी बात हुई, चाहे फ़ोन पर बात हुई या हम सामने मिले, तो ये हंसा के अपनी बात को रखते हैं ह्यूमर के साथ। तो ये चीज़ मुझे इनकी बड़ी अपील की, और ये जॉब में रह के, सर्विस में रह के भी इन्होंने अपने ह्यूमर को कम नहीं होने दिया है। मैंने किस्सा भी बताया भी था, एक प्रोग्राम में थे, वहाँ ये चीफ गेस्ट थे, इनको मंच पे जाना था। एंकर ने बहुत लंबी चौड़ी इनकी तारीफ की, बहुत तारीफ की, इतनी तारीफ की कि बाद में बोले कि आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी सामने बैठ के आज वेद माथुर को सुनूं। तो जब इन्होंने बुक का आइडिया दिया तो मैं समझ गया कि भाई 40 साल जिन्होंने बैंक को दिए हैं, तो कुछ ऐसी चीज ला रहे होंगे उसके अंदर से, वहाँ से कुछ निचोड़ के कुछ, है ना। नहीं, ये आज वो तो विषय नहीं है। आपको कभी मौका मिलेगा तो बुक लिखेंगे? अभी इस तरह का नहीं सोचा, अभी तो मैं खुद कॉमेडी करने में लगा हुआ हूँ, लोगों को हंसाना है। तो कॉमेडी को फिर कैसे, किस माध्यम से आप फिर लोगों के बीच लेकर आएंगे आगे, जिस तरह से कपिल जी फिर आ चुके हैं लोगों के बीच, तो आप किस तरह से आने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरे लाइव शोज तो हो रहे हैं, लाइव शो को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। मैं लाइव शो बहुत एंजॉय करता हूँ, जहाँ लोग सामने बैठे होते हैं और तुरंत परफॉर्म करो, तुरंत तालियां ले लो, तुरंत पैसे ले लो। हाँ जी, और टीवी को सेकेंडरी रखा है, तो टीवी के एक दो ऑफर आ रहे हैं, जिस तरह से कुछ कंक्रीट होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जो मेरी पुस्तक है बैंक ऑफ फोलमपुर, वैसे कहने को तो एक हास्य उपन्यास है, लेकिन ये बहुत सारे गंभीर सवाल उठाती है। पहला गंभीर सवाल तो ये है कि क्यों हिंदुस्तान के अंदर आज भी जब आदमी 2 लाख रुपए का ऋण लेने जाता है तो उससे 36 सवाल किए जाते हैं और उसका मकान घर वर सब बंधक रखने की बात की जाती है बैंकों में। लेकिन उसी बैंक के अंदर कैसे विजय माल्या जैसे लोग हैं, वो हजारों करोड़ का लोन बिना अपना मकान बंधक रखे हुए ले जाते हैं, तो किताब ये सवाल उठाती है। दूसरा सवाल ये उठाती है कि क्यों हमारी इस व्यवस्था के अंदर छोटा आर्थिक अपराधी है, कोई जेब कतरा है, उसको पब्लिक मारती है, पुलिस मारती है, जज उसका जल्दी फैसला करता है, और जेल में बड़े अपराधी उस छोटे अपराधी को मारते हैं। क्यों इस व्यवस्था के अंदर जो हमारे बड़े बड़े आर्थिक अपराधी हैं उनके साथ सम्मान का व्यवहार होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बैंकों से जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया लिया और भाग गए या हिंदुस्तान में रह के मौज कर रहे हैं, उनके खातों की फॉरेंसिक ऑडिट ठीक से नहीं होती। अभी एक मामले में, आम्रपाली बिल्डर्स के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के दखल से जैसी फॉरेंसिक ऑडिट हुई है, वैसी यदि 20 करोड़ से या 10 करोड़ से ऊपर के सभी विलफुल डिफॉल्टर्स की हो तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पत्रकारों के माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह आर्थिक अपराधियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका 2-4 दिन में फैसला हो, 10-10 साल 20-20 साल ना लगें, और उसके बाद उनको जेल हो। यदि हिंदुस्तान में इरादतन डिफॉल्टर्स हैं, जिसको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं, उनको जेल का प्रावधान हो और जेल के अंदर सिंगापुर की तरह
रहे हैं उनको बैंड भी मारी जाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भिन्न होगी। आज स्थिति यह है कि यदि कोई जेन्युइन आदमी बैंक से लोन लेता है तो उसको 11-15% के बीच ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 0.5% से 2% के ब्याज के ऊपर लोन मिलता है। तो इतना ज़्यादा ब्याज देके किसी भी व्यापारी के लिए इस अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करना, टिके रहना मुश्किल है। तो ये तभी संभव है जो बड़े आर्थिक अपराधी हैं उनको आप जब तक जेल नहीं भेजेंगे, त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और जो हमारा बैंक ऑफ कोलमपुर है ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या आर्थिक अपराधियों के बारे में ही बात नहीं करता है, ये समूची व्यवस्था के बारे में बात करता है कि पूरी व्यवस्था को किस तरह हमारे अर्थतंत्र को लोग लूट रहे हैं और आम आदमी बेचारा ठगा हुआ महसूस करता है। राम जी क्या कहना चाहेंगे, इस बुक की लॉन्चिंग है क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये जो बुक आज जिसका विमोचन राजू श्रीवास्तव जी ने किया है, वेद माथुर जी की लिखी हुई है, इस बुक में बहुत अच्छा सटायर है, बहुत ही खूबसूरत सटायर, मैंने पढ़ी है थोड़ी सी इस बुक को। और क्योंकि ये खुद बैंकिंग में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत थे एज ए जीएम, तो इनको एक एक चीज़ पता है और वो चीज़ इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जनता जनार्दन के सामने हास्य व्यंग के माध्यम से लेके आए हैं। तो ये इनका एक बहुत ही सुंदर प्रयास है और मैं समझता हूँ कि ये इस बुक के माध्यम से लोग हंसेंगे तो सही, उसके साथ साथ कुछ जो एक अंदर की बातें हैं उससे भी वाकिफ हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं वेद माथुर जी को। सुरीले अंदाज में यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, बैंक ऑफ पोलमपुर किताब मिल के कामयाब करो, यारो तुम इनका साथ दो जरा। मैं चाहूंगा कि हर इंसान इस तरह की किताब को खरीदे और पढ़े और जो अंदर की बातें हैं उससे वाकिफ हो और मजा भी लें। अरविंदर जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं वेद माथुर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे राजू जी ने आज इस बुक का विमोचन किया और मुझे लगता है कि जहाँ राजू जी, राम भाई, इतने दिग्गज लोग जब एक किसी चीज़ में जुड़ते हैं तो वो अपने आप में वैसे खास होती है। और वेद जी से आज मुझे ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कुछ नई बातें पता चली और ये वाकई मेरे लिए बहुत नॉलेज की बात है। और मैं आप सबको भी ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि हम लोग अपना जो इंटरेस्ट है वो 2% ही देते हैं, बाकी सारों बाकी जितने लोग डिफॉल्टर्स हैं उनका भी हम ही भरते हैं। तो ये आज मैंने पहली बार ये चीज़ मुझे जानने को मिली और मुझे लगता है कि इस किताब में और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम सबको समझना चाहिए। और इस बारे में मुझे लगता है कि सरकार को भी, सरकार को तो खैर पता ही है, जब बड़े बड़े सरकार इस तरह की चीज़ें समझते हैं तो सबको पता है, पर मुझे लगता है कि अगर इस किताब को पढ़ के या इस किताब से कुछ अच्छा हो सकता है, सुधार आए तो मुझे लगता है कि जो इनका प्रयास है, जो वेद माथुर जी का प्रयास है वो सफल होगा। तो मुझे लगता है कि इस किताब से कुछ ना कुछ सुधार हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।